टायर मैंने चलावा दे यार, टायर तो चलावा दे ये एक बार चलावा दे टायर। तो आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो आज हमारे पास तीन चॉइस है गाइस, अभी तक डिसाइड, मेरा कहना है कि रामकुंड जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। जैसे कि मेरा कहना बागेरी नाका है, जनता जितना ज्यादा वोट आएंगे जिस जगह के लिए वहीं जाएंगे। जनता है कितनी? और जनता मेरा मत जो होता है वो 5 के बराबर होता है, वैसे बता दूं मैं आपको। तो हम रामकुंड जाएंगे, एक तरफ जीते गए, बाकी ये तीन लोग ही है, तो भी मैं 5-3-2 कम हो जाएंगे। वो भाई तो उधर ही अपने, अरे वो भाई मान नहीं रहा यार। सो अनदर वीकेंड एंड अनदर ट्रिप, डिसाइड नहीं अभी तक कहाँ जाएंगे। हाईवे पे जाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि वहीं पे काफ़ी डेस्टिनेशन है गोकुंडा के पास में हाईवे के, एंड देन विल हेड टूवर्ड्स इट। मतलब ऑलमोस्ट मानसून एंड पे है, तो वी थॉट कि थोड़ा झरने वाली जगह कवर कर लें, ताकि फाइन लास्ट टाइम एक बार थोड़ा वाइब ले लें वाटरफॉल की। सो लेट्स सी, ओके गाइस, सी यू एट द लोकेशन। सी यू एट द लोकेशन। कहाँ जाके रुकी गाड़ी? सीधा ओरो यार, गाड़ी वाव। गाइस गाइस देखो गाड़ी कहाँ जाके रुकी है, गाइस गाड़ी देखो, गाड़ी यहाँ पे आके रुकी है, आगे बाटा है, बाटे के नीचे छोटा बड़ा, बाटे के नीचे बाटा, बाटे के ऊपर बाटा। अब देखते हैं गाड़ी कैसे निकाल पाते हैं। जाना दे इसको ऊपर से, जाना दे। रुको रुको रुको, मैं इसके लिए रास्ता करता हूँ। आइए आइए आइए, मैं आपको रास्ता करता हूँ इसके, आइए इस रास्ते से आइए आइए। बंद तो नहीं करा रास्ता, रास्ता बंद नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है। दोनों के पास काउंटर तैयार रहते हैं भाई, बस काफी है भाई इतने। भाई पर बैलेंस बना, इसके ऊपर से निकलना सीधा नीचे। ओ माय गॉड, देखो ऐसा रास्ता था। ओ माय गॉड, पर आखिर हम सफल हुए, सफल हो गए हम, पर हमको चल के जाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि रास्ता बहुत खराब, और खराब ही रास्ता, रास्ता खराब। हो पसीना पसीना हो गया मैं, पानी पानी हो गया, पसीना 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 देखिए आप। सुहाना सफर, सफर ये सुहाना मौसम है, सुहाना सुहाना है मौसम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कुंडेश्वर महादेव। तो गाइस सबसे पहले ये थोड़ी देर अगर आप थक गए हो तो विश्राम के लिए, तो गाइस मैं यहाँ बोतल रखूंगा सबसे पहले। फूड ब्लॉगर नहीं, एक बार जाना ना तो फूड ब्लॉगर नहीं है, वी आर ट्रेवलिंग ब्लॉगर। तो ये फूड ब्लॉगर जैसे बात क्यों कर रहा है? तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुंडेश्वर महादेव कुंडा मेवाड़ भी है। हम एक बार ना उधर उधर से आते मंदिर, उधर उस तरफ से झरना पैदल, नहीं पहले झरने में जा रहे हैं। निकल निकल Yeah.
सो ब्यूटिफुल प्लेस एंड नेचर तो बहुत अमेजिंग है गाइज, लाइक एज यू कैन सी अराउंड मी एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द वाटरफॉल विच आई शोड यू जस्ट नाउ. So this is the route. So the temple is located at an amazing place, guys. मेरे को पता नहीं था उदयपुर के पास में इतनी प्यारी जगह है. A must visit, यार. Seriously. Guys, देखो बारिश आ गई. Guys, बारिश आ गई. Wow. Finally at the waterfall. गिरना मत, वायरल कर दूंगा वरना. ये हमारी जनता फुल माहौल करते हुए डजंट केयर. ये देखिए पानी, पानी का फ्लो इतना कि जींस तक फट गई भाई की. तो कृपया सावधान रहिए और सतर्क रहिए. Guys, how's your experience about today, about this place? In one word, amazing. Another word, outstanding. Another word, fabulous. Shandar, Jabardast, Zindabad. मतलब मजा आ गया. अभी भी गिला हूँ मैं. इतना मजा है, पहले कभी नहीं आया. सुकून बहुत. गाइज यहाँ पे बहुत पीस है. गाइज जो वाटरफॉल का नज़ारा है ना, एक नंबर है. और उदयपुर के इतना पास वाटरफॉल का नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा. समझ गया ना? Guys, मेरा दिल खो गया इन पहाड़ियों में. So guys, this was Kundeshwar Mahadev Temple. No words, like seriously, amazing place. Like as you can see behind me, like बहुत प्यारी जगह है. मतलब the waterfall was amazing, the vibe of this place is beautiful, and जो view देखा it's amazing. Like काफ़ी time बाद इतनी तगड़ी जगह पे आने को मिला, and इतना पास है ये उदयपुर से, मेरे को पता नहीं था. But amazing guys, and I hope you also like this video and the place, guys. So if you are in Udaipur, do visit this place. I'll put the link of this place in the description box. You can check that out. And now all set. I hope you like the video, guys. Don't forget to give a thumbs up and keep supporting me, guys. Until the time, keep traveling and keep exploring.